सबसे इंडिपेंडेंट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं। ये रियल गोल होना चाहिए, जो अभी किसी का गोल नहीं। अभी गोल क्या है? शॉर्ट टर्म विजन, इतनी शॉर्ट जिसकी कोई हद ही नहीं। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं, मैं उससे बड़ा हूं। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओ, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओ। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। बात करते हैं, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है, क्या छोटी क्वालिटी है? यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? पेशेंस इज सो बिग। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन। कुछ इंपल्सेस हमारे अंदर हैं जो उठती रहती हैं, बेसिकली आप उसको मन बोल सकते हो। एक हमारे अंदर समझ पड़ी हुई है कि इसमें से कुछ इंपल्सेस जो उठ रही हैं वो मेरे लिए अच्छी हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में। और एक तरफ से समझ पड़ी हुई है कि जो इंपल्सेस उठ रही है, अगर मैं इसके हिसाब से गया तो मैं मरूंगा, फिर भी हम चलते चले जाते हैं। तो हमारा मन बहुत सारी चीजें करने को करता है जिसमें से बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, उसको करो, उसमें क्या बुराई है। वहां दिक्कत ये होती है कि हम उस काम को शुरू तो कर देते हैं, मन किया कि अब मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से शुरू कर देते हैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में, उसके बाद उस पर टिक नहीं पाते। तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी आपको सिचुएशंस मिले, कुछ भी ऐसा करने का मिले जहां पे आपका मन भी कर रहा है उस काम को करने का और बुद्धि भी कह रही है कर दो, तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं। अब उसको कैसे पकड़ के रखोगे? वो तो छूटेगा, याद रखना इस बात को, वो छूटेगा। जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा, कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा, तो जोश बना कैसे रहे? उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं। ये हम नहीं करते, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। देखो, अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बुद्धि को अंडरएस्टिमेट मत करो, बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हैं, एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो। जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको नहीं भी पता सही और गलत क्या है तो फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि को लगाओ सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपने मन के ऊपर, मन कंट्रोल्ड हो जाएगा। और मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, हर चीज करो बैलेंस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। ये पूरी दुनिया किसके लिए है? ये मार्केट प्लेस है जहां पर जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो आपको जहर भी बेच देंगे अगर उनको पैसा मिलता है तो, और बेच ही रहे हैं। और कैसे बेचेंगे? आपके मन को खुश करके, आपको टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी बेच दो, कचरा भी खिला दो, खा लो। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क, इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे
और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे तो क्या होगा, बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ। माइंड की 3 कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस, पेनफुल से पेनफुल, फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो चाहे माइंड के लेवल पे हो। माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है, जैसे दर्द अच्छा है ऐसे दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया, एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है। किसी झूठ को आपने सच मान लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है ना समझी की वजह से, जिसकी वजह से दुख हो रहा है। क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लिमिटेड हैं, हम छोटे हैं, हम गए गुजरे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज्यादा बड़े, ये है आपकी लाइफ की सारी सारी प्रॉब्लम। हमेशा उस आदमी से सीखो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है। भूल करके भी ऐसे किसी आदमी से ऐसा कुछ मत सीखो जिसके बारे में उसको खुद को ही कुछ नहीं पता। पता भी है तो थियोरेटिकली पता है, क्योंकि थियोरेटिकली जिसको भी पता होगा वो कंफ्यूज्ड होगा। मटेरियलिस्टिकली आगे बढ़ना है तो क्या करना है, बड़ा सिंपल, ऐसे लोगों से सीखो वो काम करना जो भी आप करना चाहते हो जो उस काम में सक्सेसफुल है, बड़ा सिंपल है। दूसरा, स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, हमेशा वो ही बोलो जो आपका एक्सपीरियंस है, फालतू की बातें मत करो, इसको बोलते हैं सच बोलो। स्पिरिचुअलिटी का पूरा जो एसेंस है वो है सच बोलो, क्योंकि अगर आज आप दूसरों से सच नहीं बोल पाओगे तो कल आप अपने आप से सच कैसे बोलोगे। और स्पिरिचुअलिटी में मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और आपकी पूरी लाइफ बदल गई। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, कि माइंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। क्या आप माइंड से ऊपर उठ गए, ये काम कैसे होगा, मैं कर सकता हूं आपके लिए, क्या मेरे पास में कोई तरीका है कि मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर सकूं। आपके माइंड को आपको खुद ही कंट्रोल करना हो, पहले अपने आप को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। उससे क्या होगा, उसके बिना कैसे होगा, आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, आपकी डोर किसी और के हाथ में है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आपके साथ में जो लोग होंगे उनको भी ऊपर उठने का मौका दो। दिस शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की। एक है लाइफ में आप कुछ बनोगे वो बड़ा है, या आप लाइफ बन जाओ, बिकम द वेरी लाइफ ऑफ दिस होल क्रिएशन, आप जिंदगी बन जाओ। है ना, एक लाइफ लाइन है ना, बॉडी से कोई प्यार करता है, वही बॉडी जिससे आप कह रहे थे कि मेरे को इश्क है, जो बॉडी चली जाती है तो 2 दिन भी घर में रखना भारी होता है। बॉडी से किसी को प्यार नहीं, बॉडी के अंदर जो लाइफ है उससे प्यार है ना। तो अगर आप लाइफ बन गए तो क्या होगा, सबको आपसे प्यार हो जाएगा और आपको सबसे प्यार हो जाएगा, लाइफ ही तो है। लाइफ ही तो है।